यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो आज मैंने सुबह सुबह ही एक मॉर्निंग टाइम में एक वीडियो अपलोड किया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो GD और DB का वैकेंसी होता है उसका नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगा। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि जो उसका वैकेंसी है वो फरवरी या जनवरी के लास्ट मंथ में आता है। तो देखिए आज मैं ये वीडियो आज ही अपलोड किया था और आज ही इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो चुका है। तो आज देखिए मैं आज इंडियन कोस्ट गार्ड पर प्रॉपर वीडियो बना रहा हूँ कि उसका वैकेंसी आया है और कैसे कैसे आपको फिलअप करना है। और इंडियन कोस्ट गार्ड आज एक नोटिफिकेशन में लेटेस्ट न्यूज़ भी अपलोड किया है। तो आज मेरा ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए, मैं पूरा क्लियर करता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी है उसमें क्या क्या होने वाला है। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आप मेरा ये वीडियो पर पहली बार है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो नोटिफिकेशन है वो सिर्फ जनरल ड्यूटी के लिए रिलीज़ हुई है, यानी जनरल ड्यूटी के वैकेंसी आई हुई है। और अब की बार इंडियन कोस्ट गार्ड अपने नोटिफिकेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया है कि जो उसका नोटिफिकेशन आता था उसमें वो बताता नहीं था कि कितनी वैकेंसी आई हुई है, सिर्फ नोटिफिकेशन डाल देता था और अप्लाई का डेट डाल देता था। सबसे पहले देखिए अप्लाई से हमको याद आया कि सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो GD ब्रांच है यानी जनरल ड्यूटी है उसका नोटिफिकेशन आ गया और उसका फॉर्म फिलअप 26 तारीख से शुरू हो जाएगा, यानी 26 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 26 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक इसका टाइम रहेगा। तो आप जितने भी लड़के हैं हम उनको बोलना चाहते हैं कि आप 26 तारीख से, तो वैसे जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है आज ही हुआ है, मैंने तो सुबह वीडियो अपलोड कर दिया लेकिन 10 बजे के करीब ही ये नोटिफिकेशन आया है। तो अब 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 26 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक रहेगा। तो जितने भी लड़के हैं प्लीज़ फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। और जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो जो भी अपनी वैकेंसी निकालती थी उसमें ये प्रॉपर बताती नहीं थी कि मेरा वैकेंसी कितना आया हुआ है, लेकिन अब की बार जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो GD ब्रांच का वैकेंसी निकाली हुई है उसमें मेंशन किया हुआ है कि जनरल ड्यूटी के लिए टोटल वैकेंसी 260 निकली हुई है, यानी 260 जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें जनरल के लिए 113 वैकेंसी है और OBC के लिए 72 वैकेंसी है और EWS जो अदर वेकवास्ट कास्ट हैं उनके लिए उनकी वैकेंसी निकली हुई है 72 और उसके बाद ST SC दोनों को मिलाकर 13 और 14 निकली हुई है। तो ये अब की बार जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो टोटल वैकेंसी निकाल कर दे रही है कि जनरल ड्यूटी की जो वैकेंसी आई हुई है वो 260 आई है, जिसमें OBC का 72 है और जो जनरल है जनरल के लिए आया हुआ है 113। तो अब लड़के ये भी पूछते हैं कि सर इंडियन कोस्ट गार्ड का जो फॉर्म है उसको हम फिलअप कैसे करेंगे, क्योंकि हम साइबर कैफ में जाते हैं तो वो बोलता है कि अभी सर्वर डाउन चल रहा है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको साइबर कैफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 वीक का टाइम होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड ही एक ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है कि उसका जो वैकेंसी निकलती है उसमें सिर्फ 1 वीक के लिए आपको फॉर्म फिलअप करने का टाइम दिया जाता है। अब 1 वीक में इसको उसका सर्वर इतना डाउन हो जाता है कि बहुत सारे लड़के फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाते हैं। तो 26 तारीख से जैसे ही स्टार्ट होगा, 26 तारीख से बहुत सारे लड़के कोस्ट गार्ड की में क्या करेंगे, कोस्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे और वहाँ पर जाकर अपना फॉर्म फिलअप करेंगे। तो फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस में क्या होता है कि इतना सर्वर डाउन हो जाता है कि फॉर्म फिलअप ही नहीं हो पाता है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि खुद अपने आप मोबाइल से कैसे कीजिएगा, इस पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ हूँ, जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप डायरेक्ट वहीं से जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि मैं जितना भी दफ़ा एग्ज़ाम दिया हूँ सब कोस्ट गार्ड का जितना भी फॉर्म में भरा हूँ सिर्फ अपने मोबाइल से ही भरता हूँ। और किस टाइम में भरना है देखिए मैं आपको प्रॉपर टाइम बता देता हूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था कि किस टाइम में भरना है और इस बार भी मैं बता देता हूँ कि जब आप सुबह 4 से लेकर 5, क्योंकि मैं सुबह 4 से 5 तक पढ़ाई करता हूँ, सुबह 4 से उठ जाता हूँ पढ़ाई करता हूँ, तो मैं जब सुबह 4 से उठता था तो 4 से और 5 के बीच में जब मैं फॉर्म भरता था तो मेरा एक बार भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता था, एनी टाइम एक्सेप्ट होता था और सक्सेसफुली रिप्लाई था, क्योंकि एक दफ़ा में ही मैंने भरा था, एक ही दफ़ा में मेरा हो जाता था। तो ये एकदम बहुत लेटेस्ट टाइम है, ठीक है, बहुत ही अच्छा टाइम है फॉर्म एक्सेप्ट करने का। आप सुबह के वक्त 4 से 5 के बीच में भरिए, तुरंत आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। तो ये था वीडियो, और जो जैसा जनरल ड्यूटी में होता है मैं तो उस पर वीडियो बना ही चुका हूँ, वीडियो में लंबा नहीं करूँगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, 10+2 चाहिए, PCM चाहिए। और जो लड़के बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ कि अगर उनका 70 के अबव होगा तभी उनका एडमिट कार्ड आएगा, अन्यथा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। अब इस पर वीडियो बनाने जाऊँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसमें मैं मेंशन नहीं करता हूँ। और PCM ग्रुप में आपका होना चाहिए और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उस पर भी मैं वीडियो बना दे चुका हूँ। अगर आप लोग को और भी इंडियन पोस्ट गार्ड से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में जाएँ, वहाँ पर कॉमेंट करें, मैं डेफिनेटली वहाँ पर आपको रिप्लाई दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।